नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल कनक ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे परिंदे भी अच्छे होंगे और सब बढ़िया फिट और फाट होंगे। और भाई, जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक कबूतर पकड़ा था और उसके पर बांधते हुए मैंने दिखाया था, वो पिछली वीडियो में है। अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने उस पिजन के जो है पर काट दिए हैं और ये देखिए वो बैठा हुआ है। ये तो मुझे देसी लग रहा है, मतलब जंगलियों में लग रहा है। और इसका पर मैंने कल ही शाम को खोला था और खोल के मैंने छोड़ दिया, ये उड़ गया था। लेकिन जो है उड़ने के बाद जो है फिर 2-3 घंटे बाद ये वापस आ गया। मतलब इन जंगलियों को, ऐसे कबूतरों की मेमोरी बहुत तेज होती है। देखिए भाई, ने कभी उड़ा था ना कहीं, लेकिन ये शाम को फिर अपने घर पे वहीं आ गया जहाँ पे इसको मैं रखता था। तो फिलहाल ये जंगली है कि गिराबाजों में है ये तो नहीं पता है, लेकिन जो भी हो दिमाग इसका बहुत तेज है। क्योंकि और सारे कबूतरों को देखे, अगर बच्चे कभी उड़े नहीं हैं, उड़ा दीजिए अचानक से तो वो चले जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये अपना घर ढूंढ के वो आ गया और जहाँ पे ये रहता था सटीक वहीं पे आके ये बैठा है। कोई भी इधर सा भी जरा सा उधर उधर इधर उधर कुछ नहीं हुआ। ये अपने आके अपनी लॉफ्ट में जहाँ ये बैठता था वहीं पे आके बैठा है। और अच्छा, इसको जब मैंने पकड़ा था तो बारिश में बहुत भीगा था, भीग गया था और साथ में भूखा था। इसके पेट में बिल्कुल पोट में दाना नहीं था, शायद इसी वजह से ये पकड़ लिया गया और बहुत आसानी से पकड़ा गया। लेकिन उस समय भी बहुत चालाकी कर रहा था बहुत, लेकिन फिर भी हाथ में आ गया। और आप देख सकते हैं ये, इसकी आंखों का शौक करा देते हैं हम थोड़ा सा पास से, क्योंकि पकड़ेंगे तो है नहीं। ये देखिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कबूतर जंगलियों में है या गिराबाज में है या गोलू में है। तो कमेंट करके जो बताइएगा। और देख लीजिए, इसका कलर बहुत अच्छा है, मुझे तो इसका कलर सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये कलर जो होता है बहुत यूनिक कलर होता है, ना काला होता है ना ब्राउन होता है। और बढ़िया पंजे वंजे देख लीजिए भाई, बिल्कुल लाल कलर के हैं। और इसके जो पंजे हैं इसकी चोंच से बिल्कुल मिक्स करते हैं। और इसकी आँख को आप दिखा देते हैं, क्योंकि ये इधर ही इसकी आँख है। ये देखिए, ये देखिए भाई। तो फिलहाल अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं, मेरे कुछ कबूतर जो हैं बाहर हैं, वो देखिए बाहर है। लेकिन इसको शाम ही को छोड़ूंगा मैं और फिर 2-3 दिन के बाद इसको मैं खुला रखने लगूंगा। तो आप इस कबूतर को देख के कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक करिए अपने इन दोस्त का इंतजार। नमस्कार, बाय बाय।